जहाज चलाने की जोड़ी है श्री अकाल तख्त साहब वालों पाबंदी है तो असी इन्हें बिन लागू कर रहे हैं इतने भी। नमस्कार दोस्तों, अज राज क्राइम न्यूज की टीम पहुंची है तलन गुरुद्वारा साहब विखे, क्योंकि एस जी पी सी वालों हुक्म होया है कि जेड़ा भी कोई भी गुरुद्वारा साहब के हूँ खड़ौना जहाज नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि तलन गुरुद्वारा लोगों की आस्था सी जो जहाज चढ़ाने तो उन्होंने बाहर जाने का काम बन जाता है। लेकिन जो असं इतने आए तो देखा कि जोड़े भी श्रद्धालु जहाज लैके आ रहे थे तो उन्होंने जोड़े इतने के प्रबंधक कमेटी के मैंबर उन्होंने तो बेनती की जा रही थी तो हूँ इतने जहाज ना चढ़ा ना ही अगों तो चढ़ाए जाएंगे। जी जो अजकल चल रहा है एस जी पी सी वालों जो जहाजों के प्रति कहते गुरुद्वारा चढ़ाए नहीं जाएंगे तो अपने तलन साहब से श्रद्धा लोगों की काफ़ी हैगी है तो इतने काफ़ी लोग जहाज चढ़ाते हैं, ये बारे की कहोगे सर जी? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। श्रद्धा संगत की केवल जहाज के भी नहीं है, बाकी भी वो कम करते आके इतने देख भी कराते आके अरदास बेनती भी कराते हैं, सहज पाठ भी कराते हैं, श्री खंड पाठ साहब भी कराते हैं, होर भी जिहड़ी सेवा चलती है वह भी करते हैं। ठीक है, एक तो यह तो पहला तो थोड़े समय तो जो जहाज चलने शुरू हुए थे तो प्रबंधकों वालों समय समय सिर संगत को जागरूक किया जाता सगा, पहला भी असं कर रहे थे हुक्मनामे श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे जारी होने तो पहला भी असं संगतान प्रेरित कर रहे थे ते हुण जिहड़ा अकाल तख्त श्री अकाल तख्त साहब वालों जिहड़ा हुक्मनामा जारी होया ते ओह उहदे जारी होण दे नाल जिहड़ा संगतां विच काफ़ी जिहड़ा देखण नूं मिलिया, संगतां नूं मतलब साडे वालों प्रेरणा दित्ती गई है संगतां नूं श्री अकाल तख्त साहब दा हवाला दे के भी सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने हुक्मनामे हुक्मनामा जारी किया भी जोड़े जहाज चढ़ाना वो एक मनमाता है, तुम गुरु घर आके अरदास बेनती कराओ तो देग लैके कड़ा प्रसादी तो गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो जी। हरेक संगत की आस्था यही सी जो असी गुरुद्वारा साहब जाने जहाज चढ़ाने तो सारिया मनोकामना पूर्ण होंगे तो असी नाल ही जहाज चढ़ जी का कहने बाहर के प्रदेशों से चल जन्ने गए हैं तो हूँ जो लोगों का जहाज जोड़े चढ़ाना बिल्कुल बंद कर। देखो ये जो जारी हो गया हुक्मनामा श्री अकाल तख्त साहब तो फिर तुम बार बार उही गल रिपीट करी जा रहे हो, केवल जहाज चढ़ाने के नाल ही नहीं मसला हल हो जाता, ये तो एक पिरत पई सी वो श्री अकाल तख्त साहब ने ये जोड़ी पिरत है उन्हें बंद किया वा, इतें ही कल जहाज नहीं चढ़ते सी गुरु घर, तुम अनेक गुरु घर चल जाओ तुम है ना इंडिया दे विच बहुत थां भी जहाज चढ़ते हैं, कोई इत्थे नहीं भी गुरुद्वारे शहीदां तलन विखे चढ़ाए जांदे सीगे, ठीक है होर थावां से भी चढ़ते सीगे ते संगत हुण मन रही है सेवादार लगे हैं, असीं बड़े प्यार नाल सत्कार नाल बेनती कर रहे हैं बई संगतां नूं तुसीं बेनती करो बई जहाज जिहड़े आ ना चढ़ाओ, तो संगत मन भी रही है, कोई संगत ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, साडे कोल दफ्तर च कोई इदां दी कंप्लेंट नहीं आई भी जिन्हें कहा है भी सानू रोकया क्यों है, तो संगत को गुरु घर बड़े उत्साह के नाल संगत आ रही है, सिर्फ जहाज तो जहाज चलाने की जोड़ी है श्री अकाल तख्त साहब वालों पाबंदी है तो असी उन्हें इन बिन लागू कर रहे हैं इतने भी। संगतान कुछ कहना चाहोगे? संगतान वैसे यही बेनती है कि जो गुरु घर की मर्यादा है आप बहाल रखना है, संगत बड़ा सहयोग भी दे रही ने इदा की गल नहीं भी संगत गल नहीं मान रही, संगत भली भां तो जाणू भी है, बड़ी समझदार है संगत, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं संगत, काफ़ी फैमिलियाँ इतने आके गुरु घर की सलाघा कर रही हैं कि तुम ये जोड़ा कदम चुकया श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म अनुसार ये बहुत ही वधिया शलाघायोग कदम है। असीं दर्शकों को अपील करते हैं जो भी गुरुद्वारा साहब के आन तो वो अपनी आस्था लैके आन, क्योंकि इतने आस्था के नाल ही गुरु जी के तप के नाल ही हरेक मनोकामना पूर्ण होंगी है। मैं सतपाल वर्मा कैमरामैन ईशू शर्मा के नाल।